हेलो बच्चों, आज हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इन चारों फार्मूलों पर बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को तो याद होगा ही, आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हो, याद करके ही रखते हो। टू साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ऐसे टू कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और टू साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो इन फार्मूलों पर बेस क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ये आप लोग के बुक्स में स्टार्टिंग एक्सरसाइज में दिया है, आप देख लीजिएगा, देखा भी होगा। तो अब इनको मैंने लिख दिया है ऊपर, और अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो जो भी क्वेश्चन में जहां पर भी फार्मूला यूज होगा तो हम लोग इसको देख करके उसका यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, साइन थ्री एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, सबसे पहले आपसे मैं पूछ रहा हूँ इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। तो बच्चों बताओ इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन ए कॉस बी वाला फार्मूला कहा है भाई, देखो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, साइन ए कॉस बी ये भी नहीं है, यार यही वाला है जो सबसे लास्ट में मैंने देखा, यही वाला फार्मूला है। वेरी गुड, तो 1/2 आप लोग भी ऐसे ढूंढ लीजिएगा बच्चों, यही है फार्मूला। ठीक है, साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1/2 भाई, ये 2 है तो डिवाइड हो जाएगा ना 1/2, और इसको लिख देंगे साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग, और ये dx, ये समथिंग समथिंग क्या है, समझ में आ रही बात, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी और यहां पे साइन ए माइनस बी, समझ में आ रही बात बच्चों, ये फार्मूला यूज कर दिया और ये हो गया। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों 1/2 और ये साइन ऑफ 4x और प्लस साइन ऑफ 2x dx। ठीक है, और इसका जो आंसर आ जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, मैं प्लस सी लिख दे रहा हूं। ठीक है, साइन 4x कितना होगा, -1/4 कॉस 4x। ठीक है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है ना, तो साइन 4x का कॉस 4x, और x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है ना, डिफ्रेंसिएशन से उल्टा चलता है। ठीक है, अच्छा चलो यहां पे -1/2 cos 2x, समझ में आ गया बच्चों किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ये चारों देख रहे हो, इनमें से किसी एक फार्मूले का यूज करेंगे और फिर हम उसे दो भागों में ब्रेक कर देंगे, और जैसे ही दो भागों में हम तोड़ते हैं तो फिर आंसर हमारे हाथ में होता है, अगर हमें इंटीग्रेशन का फाइनल फार्मूला याद हो तो। ठीक है, और मैंने आप लोगों से बता रखा है फार्मूला याद करने के लिए, आप लोगों ने याद कर लिया है, बोलो याद कर लोगे, याद कर लो, कुछ बच्चों ने याद कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ, तुम लोग से एक बात बतानी थी, तुम लोग का जो टेस्ट होगा अब बोर्ड लेवल पर भी टेस्ट होगा, और जो है जेई मेन लेवल पे भी टेस्ट लूंगा। ठीक है, एडवांस लेवल पर टेस्ट बाद में लेंगे, तो जेई मेन लेवल पे भी टेस्ट होगा और आपके बोर्ड लेवल पर भी टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसमें अब लिख करके आ जाएगा नोटिफिकेशन में आपके जो है ऐप पर, अपने जो अपना जो ऐप है जिस पर मैं टेस्ट ले रहा हूँ आरके गुप्ता क्लासेस पर, उसमें मैं अब नोटिफिकेशन में दे दूंगा कि ये बोर्ड लेवल पर टेस्ट है कि जो है जेई मेन लेवल पे है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को कुछ दिक्कत हो रही थी तो इसके लिए मैं पहले ही बता दूंगा तो सही रहेगा, तो बच्चे माइंड मेकअप कर लेंगे किस लेवल पे एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, और एडवांस लेवल पे भी टेस्ट अगर आप लोगों को चाहिए रहेगा तो आप लोग बताइएगा, तो वैसे भी मैं कुछ समय बाद एडवांस लेवल पे भी टेस्ट मैं लूंगा, उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को बेसिक क्लियर करना है, कहीं पर जरा सा भी जो है वीकनेस ना हो तब वो पेपर अच्छे से होगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को जब ये जो इस हफ्ते टेस्ट आ रहा है तो उसका जो है तुम लोग को मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने लगा लिया। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, कॉस 5x, कॉस 5x के साथ मैं ले लेता हूँ कॉस ऑफ 5x और साइन ऑफ 2x dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा फॉर्म लगेगा, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, तो ये वाला फॉर्म लगेगा। ठीक है, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला जब ये होता है तो इसको लिख देंगे 1/2 और जल्दी से बोलो क्या कर लें, कॉस 5 और ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाले फार्मूले में ये आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी समथिंग समथिंग और माइनस साइन के अंदर समथिंग समथिंग। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो ये जो मैं समथिंग समथिंग लिख दे रहा हूँ कॉस 5x और साइन 2x के लिए, तो ये बराबर 1/2 साइन ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि ये फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के लिए कितना करेंगे, यहाँ पे 5x प्लस 2x जो कि 7x बन जाएगा, और यहां पर कितना बन जाएगा 5x माइनस 2x। ठीक है,
और ये बन जाएगा 1 बाई टू, और ये बन जाएगा साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ 3x dx। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आ जाएगा माइनस 1 बाई 7, और यहाँ पर cos cos कितना जाएगा, cos ऑफ 7x, और यहाँ पे प्लस 1 बाई 3 cos ऑफ 3x, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, साइन 3x का 1 बाई 3 cos 3x ना, तो माइनस साइन 3x का जब माइनस cos 3x अपॉन 3 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चों किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं साइन x cos x और फिर cos x मैं तीन बार ले लूं, या साइन x या cos cos x में तीन बार ले लूं, तब क्या करोगे? देखो अगर ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर लोगे ना आप लोग, कराने की जरूरत तो नहीं है। देखो अगर मान लो cos x cos 2x cos 3x ऐसा तीन बार कर दिया जाए तो ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है, कर लोगे? अच्छा बताओ, ये तो पहले तो मैं ये दोनों फार्मूले मैं यूज करा दूं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन और करा दूं, ठीक है प्रैक्टिस के लिए। देखो 2 cos a cos b लिखा हुआ है, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ले लेता हूं cos ऑफ 5x और cos ऑफ 3x ले लेता हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो बच्चों ये वाला फार्मूला डायरेक्टली यूज हो जाएगा 1/2। जल्दी से बोलो क्या करें, cos a cos b बराबर क्या होता है, 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b। ठीक है, यहां पे आएगा cos a plus b, तो 5x plus 3x आ जाएगा, और बगल में cos x cos के साथ 5x minus 3x, और ये हमने कर लिया। चलो ठीक है, 1 by 2, और ये कितना आएगा cos of 8x आएगा, उधर आएगा cos of 2x। समझ में आ रही बात बच्चों? और जाहिर सी बात है 1 by 2 into 1 by 8, पहले वाले का आंसर क्या होगा? अरे 1 बाई 2 मैंने बाहर चलो रख दिया। ठीक है, 1 बाई 2 1 बाई 8 साइन ऑफ 8x, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है ना, ठीक है, प्लस c भी होता है। ठीक है हाँ, और इसका कितना आएगा 1 बाई 2 साइन ऑफ 2x, और इसके आगे प्लस c लगा देंगे। ठीक है, तो यहां तक जब अगर दो हैं cos cos से या साइन साइन या साइन cos या cos साइन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर cos 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 ऐसा कुछ हो, एक आग बार दो बार और cos लगा हो, वैसे तीन बार रहता है एग्जाम में अक्सर, तो अगर मान लो दो से ज्यादा बार cos का यूज या sin का यूज कर लिया जाए प्रोडक्ट में, तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? अब सोचो, अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ गया। चलो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों, cos x cos 2x cos 3x मान लीजिए इसे सॉल्व करना है, तो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे? सोचो, दिमाग लगाओ, लगाना चालू करो। तुम लोगों को तो बस सल्यूशन मिल जाए, सर पढ़ा रहे हैं सल्यूशन तो बताएंगे ही, है ना सर, सल्यूशन कैसे रोक पाएंगे? रोकेंगे तो हम वीडियो आगे बढ़ा देंगे, वीडियो आगे बढ़ा के देख लेंगे, है कि नहीं? अरे भाई सोचो पहले अपने दिमाग से कि क्या करेंगे अब इस कॉस कॉस कॉस, कोई फार्मूला ही नहीं यार, अब क्या करें? और आगे बढ़ना भी जरूरी है, करना भी जरूरी है, स्कोर करना जरूरी है। ठीक है, तो देखो इसमें से किसी दो को ले लो, चलो इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा तो कॉस ए कॉस बी का फार्मूला ये है, तो अगर मैं सिर्फ दो को ले लेता हूं तो 1/2, और इन दोनों को फार्मूला लगाओगे भाई जो भी आएगा ऐसा आएगा ना, और मैं कॉस 3x को बाहर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो cos x cos 2x का फॉर्मूला जो है cos of a plus b, अरे वो वाला फॉर्मूला देखो ना, ये 3x हो जाएगा, a plus b कर दो डायरेक्टली, और प्लस cos a minus b, तो a minus b मतलब cos of minus x, समझ में आ रही बात? अरे a minus b ये होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, मतलब आंसर अभी कहाँ रहे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो 1/2। अच्छा चलो अब इसके बाद क्या करा जाए, cos 3x, और ये जो cos माइनस थीटा, एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा cos ऑफ माइनस थीटा बराबर cos थीटा, पढ़े हो? तो इस फार्मूले का यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं cos 3x और प्लस cos ऑफ x और इंटू cos ऑफ 3x। अरे वाह, तो छोटा हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2, और ये कितना जाएगा cos स्क्वायर 3x। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है तुम लोगों को? थोड़ा सा और कर दे, ठीक है, समझ लिया करो यार, तुम लोग तो बहुत समझदार बच्चे हो वैसे। प्लस ये तो अलग हो गया, ठीक है इसको अलग कर लो, और इस साइड में कितना आ रहा है, प्लस 1/2 cos x cos 3x। ठीक है, समझ में आ रही बात?
तो हम लोगों ने इसको दो भागों में तोड़ लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तुम लोगों एक और फार्मूला अगर याद हो तो कॉस स्क्वायर थ्री एक्स को क्या लिख सकते? तुम लोगों ये फार्मूला याद है, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन प्लस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू, ये वाला फार्मूला पता है? कॉस स्क्वायर एक्स अगर लिखा होता है तो वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू हो जाता है। तो बच्चों कॉस स्क्वायर थ्री एक्स कितना होगा? वन प्लस कॉस सिक्स एक्स डिवाइड बाई टू। अरे भाई एक्स जगह थ्री एक्स रखोगे तो एक्स जगह थ्री एक्स रखोगे, थ्री टू या सिक्स, टेबल पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। अच्छा ये कितना आ जाएगा इसके बाद? अब मैं इसको हटा दूँ, जगह कम है तो मैं इसको हटा दूँ। अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा वन बाई टू, ये आ जाएगा वन प्लस कॉस सिक्स एक्स डिवाइड बाई टू डी एक्स। इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे हम लोग, है ना? सही है, वेरी गुड। और बगल में जो लिखा हुआ है प्लस वन बाई टू, और इसमें फार्मूला लगाएंगे कॉस एक्स कॉस थ्री एक्स और फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला लगेगा तो एक वन बाई टू और आ जाएगा, ठीक है वन बाई फोर हो जाएगा ये। अरे देखो वन बाई टू है तो वन बाई टू एक और आएगा, वन बाई टू वन बाई टू वन बाई फोर हो गया। समझ रहे हो कि मैं ही आगे बढ़ रहा हूं? आगे बढ़ रहा हूं तो क्या है, फिर से देख लेना, ठीक है? ऐसे एक बार में समझने की कोशिश किया करो, ठीक है? हाँ चलो, अच्छा ठीक है, हाँ वन बाई फोर। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा? कॉस एक्स कॉस थ्री एक्स का फार्मूला वन बाई फोर, इधर वन बाई टू एक एक्स्ट्रा आ गया है, और इधर कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस ऑफ फोर एक्स, अरे कॉस ए प्लस बी कॉस फोर एक्स, और कॉस ए माइनस बी तो कॉस के अंदर माइनस टू एक्स, कॉस एक्स माइनस, हाँ कॉस के अंदर क्या रहा है? माइनस टू एक्स। तो बच्चों अब ये दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ थोड़ा, प्लस वन बाई फोर, और ये बन गया होगा कॉस फोर एक्स, ठीक है? और बगल में कॉस माइनस टू एक्स के कॉस टू एक्स, ठीक है ये ऐसा बन गया, ठीक है? अब दिख रहा है ना तुम लोगों को? मैं देख लूँ जरा, तुम लोगों को ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, डी एक्स का एक्स गायब हो गया, थोड़ा सा पीछे जा गया हो गया है, तो कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स और अब डी एक्स, अब दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है? चलो ठीक है, तो अब इसके बाद तुम लोग इस पे पहले वाले फॉर्म लगाओगे, कितना आएगा ये? वन बाई फोर, वन बाई फोर, और ये कितना आ जा रहा है? वन प्लस कॉस सिक्स एक्स, ठीक है, और इंटू डी एक्स, हाँ, और प्लस वन बाई फोर, वन बाई फोर, और ये बाकी सारा कॉस फोर एक्स और प्लस कॉस टू एक्स, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा ये आ गया इसका आंसर, चलो लिखते हैं। इसका आंसर आएगा x प्लस वन बाई सिक्स साइन सिक्स एक्स। एक तो पहले वाले का आंसर ये आ गया। अरे भाई देखो वन का कितना होगा? x होगा cos सिक्स का साइन सिक्स एक्स अपॉन सिक्स, एक्स के साथ सिक्स मल्टीप्लाइड है तो वन बाई सिक्स, ठीक है? और ये सब के बारे में कि सिक्स कैसे डिवाइड हो जाता है, ये सब के बारे में मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग लेक्चर में बता रखा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है? अच्छा ये कितना आ जाएगा? वन बाई फोर, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? कॉस फोर एक्स का वन बाई फोर साइन फोर एक्स, ठीक है, कॉस फोर एक्स का साइन फोर एक्स, वन बाई फोर भी लग जाएगा, और कॉस टू एक्स का कितना आ जाएगा? प्लस वन बाई टू और साइन ऑफ टू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे प्लस सीस के आगे, ठीक है? तो सारा कुछ आप समझ रहे हो ना, वो अंतिम वाले के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो समझ में आ गया बच्चों, तो किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं? तो अगर यहाँ पे कॉस 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 ये तीनों हो गया तो इस तरह से लग गया। अच्छा चलो अब मैं तुम लोग को इसी यही वाला जो क्वेश्चन है मैं सेम क्वेश्चन ले लेता हूँ साइन 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 के लिए, ठीक है? तो इसका भी कर लें, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा, जरूरी है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तुम लोग सब्जेक्ट में है नहीं कुछ, तुम लोग को बस ठीक से कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को देखना है। मैं तुम लोग को जो जेई मेन और एडवांस क्वेश्चन जो लगवा रहा हूँ, तुम लोग ध्यान दे रहे हो उनमें क्या खासियत है? वो सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक से लग जाते हैं, ठीक है? तो बेसिक्स को मिलाना आना चाहिए, पहले तो बेसिक पढ़ो ठीक से, हाँ, जो कि बोर्ड के लिए हो गया, अच्छे से बेसिक पढ़ डालो, फिर बेसिक को मिलाना जैसे जैसे सीखोगे, जितना ज़्यादा बेसिक को मिलाना सीख जाओगे, कई कई बेसिक्स को मिला के एक क्वेश्चन सॉल्व करना जैसे, ठीक है? तो जब कई कई बेसिक्स को मिलाना सीख जाओगे तो ये
बेसिक को मिलाने से तुम लोगों को आईआईटी के जो क्वेश्चंस हैं, एडवांस क्वेश्चन है, जेईई मेन क्वेश्चन, ये सब बहुत आसान लगने लगेंगे, ठीक है। तो आपको करना है बेसिक पर ही वर्क, ठीक है। चलिए अच्छा, तो अगला मैं क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के लिए, मैं थोड़ा इधर से लिख दूँ ताकि जगह कम ना पड़े, ठीक है। अब जैसे साइन के लिए मैं ले लेता हूँ, साइन ऑफ जैसे 5x, साइन ऑफ मान लीजिए 3x और साइन ऑफ x, ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये तुम्हें सॉल्व करना है, तो अब मैं इन दोनों को बताओ क्या करूँ, इन दोनों को ले लूँ, ठीक है, इन दोनों को ले लेता हूँ, अच्छी बात है, चलो इन दोनों को ले लेता हूँ। तो ये साइन साइन वाला फार्मूला ये रहा अंत में, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 क्यों हो जा रहा है, क्योंकि मैं तो ये यूज कर रहा हूँ ना, 2 तो डिवाइड हो जा रहा है ना, तो 1/2, ठीक है। अच्छा, cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी तो मतलब cos 2x, देखो ये वाला फार्मूला, a माइनस बी माइनस cos, लिख दें, चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ 5x माइनस 3x, ठीक है। बता दिया करो ना कि मैं क्या कैसे कैसे चलूं, शॉर्टकट नहीं चाहिए, है ना। आप लोगों को पूरा पूरा ट्रेनिंग लेते समय सारे स्टेप्स अच्छे से मुझे भी लिखना चाहिए और तुम्हें भी अच्छे समझना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आप लोग थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, स्कूल है तो पूरा भाई, बोर्ड है तो भाई पूरे स्टेप्स लिखने हैं, कॉम्पिटिशन है तो शॉर्टकट मार सकते हो, ठीक है। अगर आ गया है तो शॉर्टकट मार दो, वो भी कॉन्फिडेंस रहेगा तब। स्टार्टिंग में शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए, स्टार्टिंग में पूरा एक एक स्टेप लिखना है हमें, ठीक है। और एग्जाम में अगर कॉम्पिटिशन है तो उसमें शॉर्टकट कर सकते हो, और बोर्ड है तो उसमें सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, और मैं अब यहाँ पर इसको साइन एक्स को मैं बाहर कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर रहे कि हाँ वो साइन एक्स बाहर है। अच्छा, कॉस ए माइनस बी कर दिया, माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 5x प्लस 3x कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, ये हो गया। अच्छा बच्चों, 1/2, और ये कितना बन रहा है, कॉस ऑफ 2x, ठीक है, और उधर कितना बन गया, कॉस ऑफ 8x, ठीक है, और साइन ऑफ x dx, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद जो है इन दोनों को मिला दें जरा, चलो हाँ इन दोनों को चलो मिलाते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 1/2, और ये बन जाएगा cos 2x sin x, ठीक है, और माइनस 1/2, और cos 8x के साथ sin x आ जाएगा, समझ में आ रही बात बच्चों, है ना। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, तो अब दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब ये वाला कौन सा फार्मूला है, cos a sin b वाला फार्मूला है, तो पहला वाला क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, 1/4, हाँ क्योंकि 1/2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, 1/2, तो अब ये 1/2 भाई यहाँ का इसका 1/2 आएगा ना, 1/4, तो cos 2x sin x, तो cos x, cos a sin b, cos a sin b, तो ये sin a plus b, तो sin ऑफ समथिंग समथिंग, sin a plus b कितना हो जाएगा, 3x, 2x plus x, ठीक है, अरे 2x plus x हो जाएगा ना, sin a plus b, और माइनस sin a माइनस b, माइनस साइन ए माइनस बी, अरे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे cos 2x sin x, तो cos 2x sin x, तो sin a plus b, sin a plus b माइनस sin a माइनस b का फॉर्म लगने वाला है, तो sin a plus b मतलब यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस sin a माइनस b, तो sin a माइनस b मतलब sin x dx, समझ में आ रही बात, ये हो गया, sin 2 cos a sin b का मतलब हुआ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये ठीक है। अच्छा बगल में माइनस 1/2, हाँ अब कॉस ए साइन बी, यहाँ पे भी वही फार्मूला है, तो माइनस 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मतलब कितना हुआ 9x, ठीक है, अरे देखो ना 8x प्लस एक्स 9x, और माइनस साइन 9x माइनस साइन ऑफ, अब इसमें से इसको घटाओ साइन ऑफ 7x dx, ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों। मैंने दोनों पर फार्मूला लगा दिया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, टू कॉस ए साइन बी वाला फार्मूला लग रहा है। और एक बार बताओ, एक गलती हो गई, यहाँ पे 1/4 होना चाहिए था, ठीक है, तो साइन के अंदर ए प्लस बी और साइन के अंदर ए माइनस बी, ठीक है, समझ में आ रही बात, 8x माइनस x 7x, और ये इसका आंसर, चलो लिखने का समय आ गया, 1/4, इसका आंसर कितना होगा बोलो, इसका होगा माइनस 1/3 कॉस 3x, ठीक है, इसका प्लस कॉस x, ठीक है, माइनस साइन x है ना,
तो माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है माइनस माइनस, ठीक है प्लस। अच्छा चलो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस वन बाई फोर, और इधर आ जाएगा वन बाई नाइन माइनस वन बाई नाइन कॉस नाइन एक्स। समझ में आ रही बात, क्लियर? अरे साइन नाइन एक्स का कॉस नाइन एक्स अपॉन नाइन, और माइनस साइन का माइनस कॉस एक्स होता है ना इंटीग्रेशन, और इसका कितना हो जाएगा बच्चों प्लस वन बाई सेवन, और यहाँ पे कॉस ऑफ सेवन एक्स, ठीक है कॉस ऑफ कितना जाएगा माइनस, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस की जगह वन बाई प्लस, अरे वन बाई सेवन और कॉस ऑफ सेवन एक्स और प्लस सी, ठीक है समझ में आ रही बात बच्चों किस तरह से सॉल्व हुआ, ठीक है तो ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है तो ये सिंपली फार्मूला यूज़ करना है आप लोगों को, ठीक है समझ में आ रहा है ना, साइन एक्स का कितना, साइन नाइन एक्स का कितना हुआ वन बाई नाइन कॉस नाइन एक्स, ठीक है माइनस साइन के साथ, और साइन सेवन एक्स का माइनस वन बाई सेवन कॉस सेवन एक्स, ठीक है चलिए तो समझ में आ गया किस तरह सॉल्व होता है। अगर ये तीन तीन है तो भी सॉल्व हो जा रहा है, ऐसे ही अगर चार चार होता तो भी कर लेंगे, वो सब आएगा नहीं चिंता नहीं करो, मैक्सिमम जो है तीन तक जाएगा, अगर आता है अगर मान लीजिए आता है तो सेम प्रोसेस, दो को एक साथ ले लो दो को एक साथ ले लो, पहले दोनों को अलग अलग कर लो फिर, ठीक है फिर उसको मल्टीप्लाई करके फिर जो बनेगा उसमें, तो कुल मिला के इन्हीं फार्मूले का यूज होते चले जाता है, ठीक है तो आपने ये सीखा किस तरीके से अगर साइन या कॉस का अगर मल्टीप्लीकेशन में ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन तो किस तरह से सॉल्व होता है, तो ये आपने जाना इस इसमें, ठीक है। अच्छा चलो अब मैं अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ इनसे थोड़ा हट करके लेता हूँ, ठीक है अब थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहा गया साइन ऑफ फोर एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे जरा बताओगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग बोलो, सोचो पहले तो सोचो, है ना साइन फोर एक्स अपॉन साइन एक्स इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे, साइन फोर एक्स अपॉन साइन एक्स बोलो जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग बोलिए, साइन फोर एक्स अपॉन साइन एक्स सॉल्व करने के लिए पहले तो साइन फोर एक्स का फॉर्मूला लगाइए। अच्छा साइन टू टू थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, याद तो है ही है तो चलो उसका यूज करते हैं, इसको लिख सकते हैं टू साइन टू एक्स और cos 2x सही है और डिवाइड बाई sin x, समझ में आ रही बात, वेरी गुड। अच्छा चलो ये ऐसा लिखा अच्छा अभी भी कुछ कट नहीं रहा है यार, तो चलो इसको sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, तो sin x cos x और यहां पे cos 2x डिवाइड बाई sin x, ऐसा लिख सकते हैं नहीं बोलो, हाँ ठीक है ऐसा लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई, sin 2x का फॉर्मूला पता है, यहां से फायदा क्या होगा कट गया और ये क्या बन गया बच्चों, देखो अब तो तुम लोग समझ में आ गया होगा कि ये लग जाएगा, अब तो लगने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, फोर के साथ क्या आएगा कॉस एक्स और कॉस ऑफ टू एक्स, अब बताओ कहाँ गया फार्मूला, ये रहा फार्मूला, तो बस फोर बाई टू और वो वाला फार्मूला कॉस ऑफ, समझ में आ रही बात, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी मतलब यहाँ पे कितना जाएगा एक्स प्लस टू एक्स, ठीक है अच्छा अब इसके बाद प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कॉस एक्स डी एक्स, ए माइनस बी जो है वो माइनस एक्स होता है, ठीक है ये ए माइनस बी कॉस माइनस एक्स आएगा, पर कॉस माइनस थीटा कॉस प्लस थीटा होने की वजह से कॉस एक्स लिख दिया, ठीक है तो पहले ऐसे लिख सकते हो, ठीक है अच्छी बात है अब इसके बाद कितना आएगा टू कॉस थ्री एक्स और प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और इसका आंसर लिखने का समय आ गया है कितना 1 बाई थ्री साइन थ्री एक्स और उधर प्लस कितना जाएगा कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स, समझ में आ रही बात साइन एक्स सॉरी कॉस का साइन एक्स, ठीक है और प्लस सी, समझ में आ गया तो ये तो 2 बाई थ्री साइन थ्री एक्स और प्लस 2 साइन एक्स, ये 2 मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक कितना जाएगा 2 बाई थ्री और साइन थ्री एक्स और प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी, इसका फाइनल आंसर हम लिख देंगे, समझ में आ रही बात बच्चों क्लियर हो गया सबको किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व, दिख रहा है ना तुम लोग को, ठीक है वेरी गुड। चलिए तो ये हो गया, अच्छा एक बात बताओ अगर मैं यहाँ पे साइन 5x का यूज कर दूँ तब कैसे करोगे, वैसे साइन 4x तक आपने क्वेश्चन देखा होगा, साइन 3x तक का देखा होगा, हाँ साइन 2x का भी तो बहुत जनरल सा है नॉर्मल सा है सिंपल है वो भी देखा होगा, साइन 5x शायद तुम लोग नहीं देखे होगे,
अगर साइन 5x आ जाए तो सेम कॉन्सेप्ट से लग जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मैं तुम लोगों को कराता हूं साइन 3x का। ठीक है, साइन 3x अपॉन साइन x कर लोगे ना बच्चों? बोलो क्या करोगे? साइन 3x का एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है साइन 3x का, याद है तुम लोगों को? साइन 3x का फार्मूला क्या होता है? मैथमेटिक्स का मतलब हुआ कि इसके फार्मूले वगैरह अच्छे से याद रखो। ठीक है, मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाती है फिर। तो साइन 3x का फार्मूला क्या हो जाएगा? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये फॉर्म लगा दो अपॉन साइन x। ठीक है, चलिए तो अब इसमें डिवाइड कर दो, कितना जाएगा? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, और अब इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, समझ में आ रही बात? अरे साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, और ये कितना बन गया? 3 माइनस 2 और 1 माइनस कॉस 2x dx। समझ में आ रही बात? यहाँ पे 2 कैंसल आउट हो गया ना। ठीक है, अच्छा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, और प्लस 2 कॉस 2x। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब इसका आंसर लिख दो जल्दी से। बोलो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? इसका आंसर क्या लिखेंगे? बोलो x प्लस और 2 कॉस 2x का साइन 2x हो जाएगा, और 1 बाई 2 और 2 कट जाएगा, और प्लस सी। ठीक है, x प्लस साइन 2x प्लस सी का आंसर हो गया। ठीक है, कॉस 2x का साइन 2x अपॉन 2, कॉस 2x, कॉस x का साइन होता है, कॉस x का साइन x होता है इंटीग्रेशन, तो कॉस 2x का साइन 2x अपॉन 2, क्योंकि ऐसा 2 मल्टीप्लाई है तो अपॉन 2, तो अपॉन 2 2 कट गया, या 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2 2 2 कट गया, तो कुल मिलाकर x प्लस साइन 2x प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया साइन 3x। अब तुम लोग को मैं कराता हूं साइन 5x वाला। तैयार हो? बोलो तैयार हो? और तुम लोग कॉपी पेन और सब ये सब ले करके बैठा करो। ठीक है, और इसको नोट करते चला करो, जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना वैसे। तुम लोग को हम लोग बोर्ड पर क्यों पढ़ाते हैं इस तरीके से, तुम्हें पता है? आप लोग का बचपन से हैबिट पड़ा हुआ है बोर्ड पर पढ़ने की। ठीक है, और टीचर जब आते हैं लिखते हैं तो तुम्हारा दिमाग एक अलग तरीके से काम करता है। अगर हम यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा दें, बटन दबाएं, क्वेश्चन बदलता जाए, तो आप लोग को बड़ा अनईजी फील होगा। क्लास में बोर्ड पर इस तरह से लिखने पर यही आपको ज़्यादा सूट करता है, इसलिए बच्चे बोर्ड पर टीचर को लिखता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए ये होता है कि टीचर पूरा लिख करके आगे बढ़े, ताकि आप लोग क्लास जैसा फीलिंग आए। कुल मिला के क्लास वाली फीलिंग गायब नहीं होनी चाहिए। क्लास वाली फीलिंग अगर है ठीक है पढ़ाने में, तो बच्चों को फिर समझ में आता है, क्योंकि बचपन से ये हैबिट पड़ी हुई है आप लोगों की, और ये सही भी है, ये अच्छा भी है, ये तरीका बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन साथ में रखा करो। ठीक है, जब भी पढ़ने चलो तो लिखते चला करो, नोट्स बनाते चलो। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलोगे तो एकदम क्लास वाली फीलिंग आ जाएगी आप लोगों की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जल्दी 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 क्वेश्चन बदल के चलूँ तो आप लोगों को नोट करने में दिक्कत होगी, या वीडियो रोकना पड़ेगा तब नोट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा वो नहीं लगता है, थोड़ा सा कर भी सकते हो, मगर अगर आप मेरे क्लास के साथ लिखते हुए चलोगे तो और नोट्स बनाते हुए चलोगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब देखो साइन ऑफ 5x डिवाइड बाई साइन x। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग बताओ क्या कर सकते हैं, खुद सोचो। मैं साइन 5x अपॉन साइन x ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है हम लोग को। बताओ साइन 5x को कैसे डील किया जाए, बोलो। देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ऑफ 4x या साइन ऑफ x, x प्लस 4x लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन साइन x, ठीक है, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब तुम लोग समझ में आ गया होगा साइन a प्लस b का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या? साइन a cos b, याद करो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? मैं फार्मूला लगा रहा हूँ साइन ए कॉस बी। देखो ये वाला जो है ना, ये बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में ये आ सकता है कि 4x तक तो बच्चा पढ़ रखा है, अगर 4 जगह 5x या 6x कर दिया जाए तो बच्चा कैसे सोचेगा। आजकल जेई मेन के क्वेश्चन जो आ रहे हैं और एडवांस में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं,
वो काफ़ी कुछ बोर्ड से मिला करके और उसी में मिक्स कर देते हैं चीज़ों को। तो साइन 4x तो बच्चे ने पढ़ रखा है, तो साइन 5x, साइन 6x, साइन 7x में घुस जाए और फिर आपसे कहा जाए करने के लिए, तो ठीक है उससे लगेगा, पर इसमें एक नेचुरलिटी आ जाएगी कि नेचुरल तरीके से बच्चा सोचता कैसा है और फिर करे आगे। ठीक है, एग्जामिनर को तो यही चाहिए ना कि एकदम पहला क्वेश्चन दिखे उसे, ये थोड़ा सा नया हो, है ना, कि बच्चा सोचता कैसा है, उनको उस प्रोसेस, उस अप्रोच पर जो है ध्यान देना, इसीलिए वो थोड़ा सा नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सोचें बच्चे। ठीक है, काफ़ी है, रिपीटेड भी होते हैं, रिपीटेड भी काफ़ी होते हैं, तो ठीक है जो नए क्वेश्चन होते हैं तो वो उनमें नेचुरल तरीके से आप लोगों को सोचने की हैबिट होनी चाहिए पहले से। अब देखो जैसे ये आ गया, आप क्या करें, तो x प्लस 4x कर देते या 2x प्लस 3x कर लेते तो उससे भी ओपन होता। ठीक है, फिलहाल हमने x प्लस 4x को प्रेफर किया, इससे क्या होगा, साइन एक्स कट गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ बन गया पहला वाला तो cos 4x बन गया, अब तो ये तो गया, ये तो हो जाएगा आराम से, इसकी तो बात ही नहीं करो। ठीक है, साइन एक्स कट गया, उधर वाले में क्या हो रहा है, प्लस cos x और साइन 4x डिवाइड बाई साइन x। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसका तो आ ही जाएगा 1/4 साइन 4x, इसका तो हो ही गया है। ठीक है, इसका तो कोई टेंशन नहीं, उस साइड में देखो क्या आ जा रहा है, cos x के साथ इसको लिख देंगे 2 sin 2x cos 2x डिवाइड बाई साइन x। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, अरे भाई साइन 4x पर मैंने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, साइन 4x पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया और ये बन गया कितना, 1/4 साइन 4x तो है ही है ये वाला साइन 4x, और उधर कितना बन गया, अब देखो ये जो है 2 तो बाहर निकाला, अब ये कुछ कर तो नहीं रहा, साइन 2x को फिर लिख सकते हैं हम लोग क्या, cos x, अब 2 तो ये बाहर निकल आया। ठीक है, या मैं 2 को अंदर लेने तो कन्फ्यूज हो गए, ये 4 sin x cos x बन गया। ठीक है, और यहाँ पे cos 2x डिवाइड बाई साइन x। ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों, ये सब हो गया, ये ऐसा किया हम लोगों ने। हाँ, ये जो साइन 2x लिखा है ना, इसको 2 sin x cos x दोबारा से लिखा, तो 2 2 4 है, 2 2 4। ठीक है, अच्छा चलो अब ये कितना हो गया, 1/4 साइन ऑफ 4x, और उस साइड में साइन x कट गया और इधर बन गया प्लस 4 cos² x और cos 2x। अब तो कुछ रही नहीं गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें क्या लिखोगे, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूँ। ठीक है, आ जाएगा 1/4 sin of 4x, और अब तो कर लोगे ना तुम लोग, ये 4 और ये इसको लिख दो 1 plus cos 2x डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये cos 2x dx। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे 2, चलो ठीक है लिख देता हूँ, अपॉन 2 ऐसे। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करोगे, अब ये इधर डिवाइड हो जाएगा या 2 से कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 1/4 sin of 4x और प्लस 2, और ये बन जाएगा cos of 2x और प्लस cos² 2x dx। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, तो अब इसके बाद cos² 2x, अब इसके बाद तुम लोग क्या करोगे, तो तुम लोग, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूँ, चलो मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, ये बन जाएगा, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ये बन जाएगा 1/4 साइन 4x के साथ साथ वो कितना बन जाएगा, 2 cos, तो प्लस 2 into कितना जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 sin 2x। ठीक है, ये तो आ ही गया, अब बचा क्या, 2 cos² 2x बचा, प्लस 2 cos² 2x dx ये बचा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 1/4 sin of 4x प्लस साइन 2x, और इसको क्या लिखेंगे, प्लस 2 1 1 के साथ 1 plus cos 4x डिवाइड बाई 2। अब समझ में आ रही बात, अब तुम लोग समझ गए हो, जैसे स्क्वायर मिला, कॉस भाई कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 plus cos 2x/2 है, तो कॉस स्क्वायर 2x का 1 plus cos 4x/2, ये 2 2 कट गया। ठीक है, तो बच्चों तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं, मैं इधर लिख रहा हूँ, हाँ दिख तो रहा है यार, बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 2x, और इस साइड में बन गया प्लस 1 plus cos 4x का आंसर क्या होगा, x, 1 का x, और प्लस 1/4 sin 4x, समझ में आ रही बात, और प्लस c। ठीक है, देख लेना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, फिलहाल तुम लोग समझ में आ गया है कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, कैसे स्टार्ट, अब जैसे अब यहाँ पे साइन 6x हो जाए,
अगर यहाँ पे 6 हो जाए तो उसको भी x प्लस 5x करके सॉल्व करने की कोशिश करना, यहाँ 7x हो जाए तो x प्लस 6x करने की कोशिश करना। अगर मान लो कहीं तुम्हें कोई दिक्कत फील होती है तो कुछ और करने की कोशिश करना, जो भी है वैसे x प्लस 6x, x प्लस 7x, जैसे यहाँ पे 10x कर दिया तो x प्लस 9x है, तो कम से कम पहला वाला कट तो जाएगा, ये कट जाएगा दूसरे। मगर एक चीज़ और है, जब बहुत ज़्यादा होगा तो फिर साइन, जैसे यहाँ पे 10x कर दें तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, फिर साइन 9x को फिर नहीं ओपन कर पाओगे, हाँ तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे साइन 5x है, साइन 6x है, तो यहाँ तक जा रहा है क्वेश्चन, तो आसानी से कर सकते हो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो वहाँ फिर तुम अपने सारे मेथड्स को देखो कि अगर इस मेथड से नहीं लग रहा तो किस मेथड से लगेगा, कहाँ कौन वाला तरीका लगेगा, तो सारे को अच्छे से रेडी करके रखो। अगर वो एग्जाम में आया है तो मतलब तुम्हारे सिलेबस के अंदर के कॉन्सेप्ट से जरूर लग जाएगा, तो वो लगेगा जरूर। तो अपने सारे कॉन्सेप्ट को उस पे जल्दी जल्दी मन में लगा के देखो किधर से ज़्यादा आसान होगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, अप्रोच की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन ही ढेर सारे नहीं लगाने हैं, क्वेश्चन लगता कैसे है इधर भी दिमाग जाना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, सिर्फ लग ऐसे नहीं लग जाना है कि बस दिखा तो हम लग गए, इस एक्सरसाइज में दिखा तो इसी फार्मूले पर है तो ऐसे ही। ठीक है, तो उस मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो उस फार्मूले से नहीं लग रहा है, कुछ और है ऐसा, तो फिर फंस जाओगे। आप लोग जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो अपने सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ उस पर लगाओ, सोचो कि कौन सा सबसे जल्दी आंसर देगा, जो कॉन्सेप्ट सबसे जल्दी आंसर देगा, जो टेक्निक सबसे जल्दी आंसर, जो फार्मूला सबसे जल्दी लग रहा हो। ठीक है, तो वो सब लगा करके क्वेश्चन को अपना सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, सोचा करो कि कोई चीज़ सॉल्व कैसे हो रही है, एक ही चीज़ कई तरीके सॉल्व हो रही है, कई फार्मूले लग जा रहे हैं उस पर, तो कौन सा फार्मूला सबसे कम समय में आंसर देगा ये सोच लिया करो। ठीक है, चलिए बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे।